परिणामों ने कांग्रेसियों में नई जान फूंक दी है। जीत की संजीवनी पाकर कार्यकर्ताओं सहित प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर बादशाह सिंह ने जीत का जश्न मनाते हुए केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बेहतर जनादेश देकर झूठ और फरेब की सरकार को कड़ा झटका दिया है। मध्य प्रदेश के सभी किसानों का महज 11 दिनों में कर्ज माफी कर नई फसलों के लिए लोन देकर जीवंत किया जाएगा। साथ ही 2019 में केंद्र में सत्ता हासिल करते ही पृथक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण की सौगात की जाएगी। महोबा के निजी गेस्ट हाउस में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की जीत से लवोरेज होकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर बादशाह सिंह तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ महोबा पहुंचे। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। 4.5 साल के कार्यकाल में किसी भी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में विफल रहे। इस बात से आहत होकर जनता जनार्दन ने कांग्रेस को सभी राज्यों में शानदार बहुमत दिया है। 2019 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनकर नया इतिहास रचेंगे। 2019 में राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तब युवाओं को लगेगा कि एक काम करने वाला प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री देश को मिला है। ठगने वाला, झूठ बोलने वाला जो है उसको लोग अस्वीकार कर रहे हैं। और चाहे जितना आप झूठ बोलिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।